सिंधौत में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आने वाले रमजान माह के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक करके आवश्यक निर्देश दिए। जनपद संभल की चंदौसी में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने रमजानों के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजानों को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी के सामने अपनी मांगे रखी, जिसमें उन्होंने मीट की दुकानें खुलवाने की बात भी कही। इस विषय में पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले रमजानों के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रमजानों को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मीट और मछली की दुकानों को खुलवाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि लॉकडाउन चल रहा है और जब तक शासन के आदेश नहीं होंगे दुकानें खुलने नहीं दी जाएंगी और किसी ने खोलने की कोशिश की तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा। रमजानों को लेकर मीटिंग हुई है थाने के अंदर, लोगों ने क्या किस तरह की फरमाइशें रखी हैं, आगे जो त्यौहार आ रहा है रमजानों का उसमें क्या क्या इन लोगों को सुविधा चाहिए? नहीं, कोई खास सुविधा की नहीं, उनकी सिर्फ एक माँ वो कह रहे थे कि सब दुकानें खोल दी जाए, तो दुकानों का परमिशन नहीं कि हम दिन भर दुकान खुलवाएं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है पूरे प्रदेश में, यही स्थिति है। उनको ये बता दिया गया है जो निर्देश दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हैं शासन से, उसी के अनुसार काम होगा। अगर आपको परचून की दुकान है तो एक दुकान सेट कर ले, वो अपना डोर टू डोर सप्लाई करेगा। फल वाला है तो अपने मोहल्ले में उसका पास बनवा ले, वो मोहल्ले में अपना फल बेचेगा, तो उस पर सहमति उनकी हो गई कि नहीं ठीक है ऐसे ही काम। किन किन चीज़ों की दुकान खोलने की बात? वो फल की और परचून, कुछ मीट वगैरह की दुकानों को भी नहीं। जो मीट की कह रहे थे तो जब तक उत्तर प्रदेश शासन का जो दिशा निर्देश होगा उसी आधार पर काम होगा, ऐसे थोड़े कोई दुकान खोल लेगा, इस पर कड़ाई से इसका पालन होगा। अंडा मीट मछली मुर्गा कोई भी दुकान जो अगर खुलने का आदेश नहीं है तो नहीं खुलेगा। अभी तक यही आदेश है कि कोई भी मीट मुर्गा की दुकान नहीं खुलेगी, तो नहीं खुल रही है और आगे भी नहीं खुलेगा। तो ये लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? इनकी मांग है कि रमजान है शाम के लिए, तो वो जब तक कोई आदेश नहीं होगा तब तक ये कार्रवाई ये नहीं खुलेगा, और अगर कोई खोल दिया तो उसके साथ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।